मनोज सर को दो बार नेशनल अवार्ड मिल चुका, दो बार ना सर के, तीन बार, तीसरा बार जो है ढाई 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 तीसरा बार क्या हुआ? मिलते मिलते रह गया, मिलते मिलते रह गया। तो जब आप फिल्म साइन करते हैं कोई, तो स्क्रिप्ट पहले आप नेशनल अवार्ड वालों को पढ़ा के आते हैं कि सर ये कर लें, देखो इसको मिलेगा क्या? देखो नेशनल अवार्ड वालों को पढ़ाने जाओगे ना तब तक सरकार बदल जाएगी। पर आपको पर्सनली कैसे पसंद आते हैं रोल करने? वो दूसरे नंबर वाला रोल ना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा। और जैसे सत्या का भिकू मात्रे, ओए हाय कमाल का, कमाल का करेक्टर किया था। पहले दूसरे वाला जो है वो छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा रहती है। मुझे शूल में भी आप बहुत अच्छे लगे थे मनोज भाई, थैंक यू वेरी मच। कमाल की एक्टिंग की थी आपने, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा कमाल का ही काम करते हैं आप, और गैंग ऑफ वासेपुर जब भी आते मेरा बड़ा जिक्र हो ही जाता है। मैंने ऐसा रोमांस नहीं देखा। मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा, कितनी बार करके दिखा चुका हूं। वो हीरोइन कपड़े धो रही है, भाई साहब दातुन लेके बैठे हैं, कर दातुन एक थी कर दोनों ही गए। ऐसी मनोज सर आपने इंडस्ट्री में इतने सारे कलाकारों के साथ काम किया है जी, सबके अंदर कोई ना कोई शरारत होती है, किसी के अंदर कोई शैतानी होती है जी। जैसे बच्चन साहब है, उनको एक बार छेड़ दो तो उनके अंदर बचपना बहुत है जी, जी। शरारतें बहुत करते हैं, तो आपने तो सबके साथ काम किया, बच्चन साहब की कोई ऐसी शरारत बताइए जो हमें पता ही नहीं है। अक्स फिल्म हम लोग कर रहे थे जी, तो मुझे ना हाइट की बहुत, शरीफा जी मुझे बहुत प्रॉब्लम है, जैसे तो फ्लाइट से भी हम लोग टेक ऑफ होते हैं ना तो मेरी हालत ख़राब होने शुरू हो जाती है। अच्छा, तो उसमें एक सीन है, अगर आपने देखी होगी फिल्म की, ऊपर से झरने की तरफ से अराउंड 100 फीट की जो है उसमें छलांग है, मैं और बच्चन साहब छलांग लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग गए थे नासिक की तरफ, वहाँ पे झरना है, तो पहले तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार किसी तरह से अवॉइड हो सकता है क्या? एक्शन डायरेक्टर ने मुझे बहुत तैयार किया, वो बार बार फ़ोन पे बात करता था, मनोज तू घबरा मत, सब हो जाएगा, सिर्फ आँख बंद कर लेना, ऊपर तक लेके जाएंगे और बच्चन साहब रहेंगे वहाँ पर, कुछ नहीं होगा तुझे। बांधा गया, मैं आँख बंद किया हुआ मैंने, अब बच्चन साहब मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मनोज 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 ओके डीप ब्रीदिंग करना है, ठीक है मनोज डीप ब्रीदिंग, ओके इट विल हेल्प, इट विल हेल्प। मैंने कहा जी ठीक है, ठीक है सर मैं ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, और हम लोग जो है अराउंड 85 फीट तक गए थे। अच्छा, तो बच्चन साहब की आवाज़ आई, मनोज मनोज। जी जी सर। यार कुछ हो जाए तो जया को बोल देना कि यार। मैंने कहा सर मैं ऐसे ही डरा हुआ हूँ, नहीं नहीं यार सच में घर पे मेरा खबर कर देना है यार। शरारती तो बहुत है बच्चे साहब, सर वी लव यू। नवाज भाई के साथ भी आपने काम किया है जी, वो शरारती हैं वैसे? ना ना ना, उसको नवाज में एक कमाल की खासियत है कि यहीं पर रहेगा लेकिन वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। अकेला एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये पता ही नहीं चलेगा हाय कि नहीं है। मतलब जैसे ये आपका जो रेलिंग है, दरवाजे हैं, वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़ा रहेगा। लॉटरी, तुम यहाँ क्या खड़े खड़े टाइम पास कर रही हो? बम्पर तुम्हें अंदर गालियां दे रही है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे भी बहुत गालियां आती है। पाजी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने अपना पार्लर खोला है, मतलब मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ और पापा का नाम रोशन कर दिया। कमाल करती है। ये देखो, वाओ वाओ वाओ, सिद्धू पाजी सही में आज इसने अपने ना पापा का सर ऊंचा कर दिया। अच्छा, थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इसके पापा लेटे हुए थे, उसने उस सर के नीचे तकिया लगाया, पापा का सर ऊंचा हो गया। सर ऊंचा कर दिया। एक्सक्यूज मी, मैंने ब्यूटी पार्लर खोला है, समझी? तुम्हारी आंखें तो पूरी खुलती नहीं है, ब्यूटी पार्लर खोल दिया।
आई बड़ी ब्यूटी पार्लर खोलने वाली, सॉरी 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 सॉरी, आई छोटी ब्यूटी पार्लर खोलने वाली, आई बड़ी चौड़ी नर्स बनने। नॉनसेंस पाजी, कल ये बम्पर दीवार पे थप्पड़ मार रही थी। मैंने पूछा तो कहती है दीवार के भी कान होते, तो मैं कान के नीचे बजा रही थी। ये ऑडियंस को हंसाने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश की गई है। प्लीज आप लोग तालियां बजा के इनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये वैसे अब और तो बढ़ने नहीं वाली। हेलो सिद्धू साहब, मैं बहुत खुश हुआ आपको देख के। बम्पर तुम इधर क्या कर रही हो? अंदर जाओ, एयर कूलर खोलो, सारा पानी पी जाओ, चलो। चलो अंदर। बोलते रहते हैं बेकार की बातें। अल्लाह जी चाचा जी। बेटे तुम एक काम करो, अंदर जाओ, चूहा रोटी लेके बिल में घुस गया, उसके पीछे घुस जाओ, निकालो रोटी आधी तुम खाओ और चलो भागो इधर से, पार्लर में संभाल लूंगा। चलो। हाँ दे चाचा जी। सिद्धू साहब बहुत बहुत मुबारक, आप चुनाव जीत गए। अच्छा आपने बताया नहीं कितने रन से जीते? 43,000। 43,000 रन, दे लो, समय समय की बात है, 27 साल पहले एक नहीं बना था। खुशी का मौका है, अब हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी। अच्छा मुझे 3 मिनट हो गए, 5 बातें भी कर ली, कोई कस्टमर नहीं आया, एक काम, इसको आग लगा लेते हैं। हाँ बेबी हाँ, नहीं क्या कह रही हूँ, कैसी हूँ, अब जैसी हूँ वैसी हूँ। तुम भी तो जैसी हो वैसी हो, ये फालतू बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ एक हाँ रुको रुको, मैं जरा पार्लर पे आई हूँ, 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके। फोन तो मेरे पास है, तुम किसके साथ बातें कर रही थी? अरे मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, ये क्या बात हुई। अच्छा वो क्या नाम है, ये टोपी, ओ मुझे ना जरा ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हूँ, मुझे क्या सुंदर लड़की कभी देखी नहीं क्या? मैंने नहीं देखी, और तुम भी कोशिश करना कोई और भी ना देखे। कुछ भी कह रहे हैं आप, मैं तो पार्लर में, यहाँ पर कोई है तो नहीं, आप एक काम कीजिए जरा, इतना सुंदर सा जो चेहरा मैं लेकर आई हूँ इसे सजा दीजिए। सजा जाओ, 5 साल कैद बामशक्कत सजा। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि इतनी सुंदर सुशील हॉट सेक्सी सी लड़की आपके सामने खड़ी हुई है, इसका जरा 16 श्रीनगर कर दीजिए, मतलब श्रीनगर नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, वो श्रृंगार, श्रृंगार कर दीजिए उसका। 16 श्रृंगार, आओ फिर मैं तुम्हारा 16 श्रृंगार करता हूँ। एक मिनट फटाफट पहले रेसिपी लिखो, लिखो एक ट्रक रेत। लिखो लिखो लिखो, 2 ट्रक सीमेंट, 2 क्रेन, 4 ट्रक भर के मजदूर, म्युनिसिपलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और 1 नींबू पानी। नींबू पानी क्यों? वो मैं पीऊंगा। 1 पान भी लिखो, पान पान लिखो, पान कि पान खा के जुबान लाल करके ना मुझे हाथ थूकने का बड़ा मजा आता है। सिद्धू साहब ऐसे आदमी होते हैं जो पान खा के उसको थूकने के लिए कोना ढूंढते रहते हैं, आपकी वजह से भगवान ने दुनिया गोल बनाई है। कितनी अच्छी बातें करती हो तुम, ट्रेन के नीचे क्यों नहीं आ जाती? एक मिनट ये बताइए, अच्छी बातों का ट्रेन से क्या लेना देना है? तो बुरी बातें बोल के आजा, 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 कहाँ आजा? मैं इधर आओ, तुम ना पहले बजट का इंतजाम करो, तुम्हारे मुंह का मेकअप जो होगा वो 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और अगर टाइलें लगेंगी उसके अलग से। लेकिन पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, नहीं पैसे की कोई टेंशन नहीं है, नहीं 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 नहीं। अब बिशुम उठो। ओह सॉरी, मुझे बीच में जरा नींद आ जाती है, सॉरी मुझे जगा दिया कीजिए। सारी जगह तो तुमने घेरी, तुम्हें जगह कहाँ से दे। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरा मैनीक्योर शुरू कर दीजिए, आइए। हाँ मैं तुम्हारे मुंह का पेडिक्योर करता हूँ, आ जाओ आ जाओ। ये किसने लगाया हुआ है? ये अच्छा ये तो उन्होंने लगाया जिनका पार्लर है, मैं उद्घाटन कर देता हूँ। उद्घाटन का ताली बजाओ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब 500-500 रुपया दो, मैं कैंची मार के ना भी मैं ऐसे घुमा दूंगा। मैं बैठो इधर,
ऐसे नहीं बैठना, कस्टमर भगवान का रूप खड़े हो, बेवकूफ ऐसे थोड़ी करते हैं। चलो बैठो उधर, बैठो। अच्छा है, अच्छा है। बताओ कौन सी मिजाज करनी है? मैं सारी मिजाज मैं कर देता हूँ। देखो हम तुम्हें या तुम्हारे पेट, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, आपको मेकअप करना आता भी है? अरे आता क्या, मुझे तो जाता भी है, क्योंकि जिसको आता उसको जाता भी है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता, जिसको नहीं जाता नहीं जाता। जैसे सिद्धू साहब को शेर आते हैं, शेरों को कभी सिद्धू साहब आए? है नहीं। ये तो कोई बात बनी नहीं, बात नहीं बनी, उनकी सरकार बन गई, बात की पड़ी है। आप सिर्फ बातें ही करते हैं या फिर आपने कभी किसी को सुंदर बनाया भी है? क्या बात कर रही हो, दीपिका पादुकोण किसकी वजह सुंदर है? आपकी नहीं, अपने माँ बाप की। मैं हर बात का क्रेडिट मैं लेता। चलो शुरू करेंगे, चलो हाथ आगे करो, जब तक मैं सामान तैयार करता हूँ भीख मांगो। चलो सामान थोड़ा पकड़ो जरा, फटाफट हाथ पे ये रखो, दोनों हाथ जोड़ो, थोड़ा पानी डालो, पेड़ा बनाओ इसका, ठीक है? ओके, पकड़ के रखो इसको। हाँ चलो। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, तुम्हारा फेशियल हो गया। आप बताओ, एक इधर मुंह करो, मेरे को बताओ किस तरह से सीधी हो तुम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो इधर देखो, तुम्हें कैसा मुंह चाहिए? तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, ये वाला, ये आखिरी वाला, ये वाला मुंह, ठीक है? उधर मुंह करो, चलो शाबाश, आंखें बंद करो फटाफट। ओके चलो, ये ठीक है। अरे ये मुंह लगाएंगे पहले, ये वाला हटाना पड़ेगा फिर ही लगाएंगे, ये कमाल कर रही है। पागल है आप, मुझे कोई मेकअप वेकअप नहीं कराना, मैं जा रही हूँ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।